हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। गाइस, डीडीए जेई के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गए हैं। प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन, वो भी इसी 11 तारीख को, यानी कि 11 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 11 जून से। तो गाइस, एग्जामिनेशन की डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट और एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, उसके बीच में आपको 3 से 3.5 महीने का समय है आपके पास, बहुत आराम से। तो एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का प्रोबेबल मंथ बताया है इन्होंने, है ना, तो जून से जुलाई तक तो फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद 2 महीने और दिए गए हैं आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन की डेट में। तो कुल मिला के 3 से 3.5 महीने का समय बचता है आपके पास। इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एई और जेई एग्जामिनेशन की, तो डीडीए वन ऑफ द रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। बहुत सारे बच्चे रहे थे यहाँ पे, वैकेंसीज भी बहुत अच्छी खासी आई हैं। स्पेशली बात करूँ सिविल वालों की, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 240 प्लस वैकेंसीज यार, और इनफैक्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी है। तो कैसे यूटिलाइज करना है इस टाइम को, इस समय को हमें कैसे यूज़ करना है, इसको हमें समझना है, ठीक है। अब इस 3 महीने के समय में सबसे पहला काम, पहले तो देख लेते हैं यार पेपर जो आया है ना, जो पहले पेपर हो चुके हैं 2018 में ये पेपर कराया गया था। इसमें देखो क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर होंगे तो डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक्यूरेसी और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है स्कोर करने की। कॉम्पिटिशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो पेपर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ पैटर्न प्रॉबेबली वही रहना चाहिए। 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट, जिसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में मैथ्स रीजनिंग 10-10 नंबर की, 10 नंबर की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, जिसमें मैथ्स रीजनिंग में तो आप फोड़ दोगे मुझे पता है, अच्छे से करके आओगे। जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में तो प्रॉब्लम होगी, तो 10 ही नंबर की आ रही है बेटा, इसमें भी जो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए ये जो लेवल है क्वेश्चन में, देखिए यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो पिजोमेट्रिक हेड ये सब पूछा हुआ है, वेल डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेडलाइन, मतलब क्वेश्चंस देखिए, बॉसन इक्वेशन सॉल्यूशन प्रॉब्लम स्ट्रेस ऑल फॉलोइंग अजम्पशन आर एक्सपेक्ट, कौन से अजम्पशंस फॉलो करते हैं किसको छोड़ के, ये पूछा है यूनिट वेट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, मतलब प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेन आपको क्या ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करेगी, आपको फास्ट करना है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत स्पीड में करना, प्लस एक्यूरेसी, इन दोनों को मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कैसे दूर होगा, इसको प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। सब्जेक्ट बहुत सारे वीक होंगे आपके, है ना, जैसे सपोज करो कि किसी का फ्लूइड मैकेनिक्स वीक है, किसी की आरसीसी वीक है, तो वो सब्जेक्ट पे वर्क करिए। अभी आपके पास इतना समय है कि उन सब्जेक्ट को अच्छे से 1 महीने में स्ट्रॉन्ग करके उसके सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चंस सब कुछ लगा सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो हम लोग यूट्यूब पे कराते ही हैं, पेड क्लासेस भी चल रही हैं, पेड क्लासेस में तो आपको बाकायदे पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पेड क्लासेस जिनको भी ज़रूरत होगी, डीडीए के लिए भी स्पेशली स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में, उसको ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। और आपको बताया ना मैंने कि यहाँ पे रीजनिंग के लिए, आपको रीजनिंग के लिए बस एसएससी जेई वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं। एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ्स वाले क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 100% मैं बता रहा हूँ कि ये 20 में से रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से, 20 में से 20, 20 out of 20 स्कोर कर सकते हैं आप। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ आपका, तो जनरल अवेयरनेस में कुछ लड़कों को प्रॉब्लम होती होगी, ऑन एन एवरेज मिनिमम स्कोर अगर वहाँ पे 5 भी बनता है ना, 50%, हालांकि मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप इतना कम स्कोर करें, वहाँ पे भी आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, 10 क्वेश्चन 7+ अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, सही सही उस पर अगर आपको लगता है वर्क करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको वर्क करिए, ठीक है, 100% आपको वर्क करना चाहिए वहाँ पे। सॉरी तो यहाँ पे गाइज, इन सभी एग्जामिनेशन में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि रीजनिंग तो आ ही रही है, चाहे जेई के एग्जाम की बात करूँ, एसएससी जेई की, या फिर किस एग्जामिनेशन डीडीए की, DSSB की, रीजनिंग तो आपको किसी भी हालत में, आपकी अगर वीक है तो आप उसको स्ट्रांग करिए, आगे भी हेल्प करेगा। और रीजनिंग के अलावा इंग्लिश वाला पोर्शन DSSB के लिए बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे जो इस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल किए हैं, डेफिनेटली डीडीए भी फिल करेंगे, डीडीए जेई भी फिल करेंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, सारे लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग भर सकते हैं।
इस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलिंग जो भी बच्चे करेंगे इंग्लिश के लिए, यहाँ पे 10 मार्क्स की इंग्लिश यहाँ भी देखने को मिलेगी गाइस। तो यहाँ पे भी आपको चूकना नहीं है, इसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। इसमें भी आपके क्वेश्चंस 10 में से 10 सही होने चाहिए, और इसके लिए आज से अगर जग जाओगे ना तो इस 3 महीने को अच्छे से यूज़ कर लोगे। जो चीज़ वीक है, जैसे सपोज करो किसी की रीजनिंग और मैथ्स स्ट्रांग है, मत पढ़ो अभी, तो मत पढ़ो, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 5 दिन 4 दिन में। किसी की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश आज से ही वर्क करो, नहीं तो अदरवाइज लास्ट में क्या करेगा, एक बर्डन क्रिएट कर देगा कि इंग्लिश तो आती नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ जब हावी होने लगेगी ना आपके ऊपर, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी गाइज, है ना। तो इसको हावी नहीं होने देना है, इस पर वर्क करना है, राइट। और टेक्निकल के सब्जेक्ट की बात करूँ, टेक्निकल के सब्जेक्ट में आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से मैं तैयार करवाऊँगा, एक एक सब्जेक्ट अच्छे से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, यूट्यूब पे डेली हम कराते ही हैं। सब्जेक्ट में वीक है अगर कोई सब्जेक्ट, तो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लो किसी का कंस्ट्रक्शन वीक है, RCC वीक है, स्ट्रक्चरल वीक है, तो उन सब्जेक्ट पे अगर आप चाहें तो कैसे फॉलो कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पढ़ना है पहले, और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर का पूरा सेट जो है, अभी मैंने जो शो किया था वो पूरा का पूरा सेट, हर सेट आपको मैं टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, सिविल भाई रजत सर पे, उस पर भेज दूंगा। सिविल भाई रजत सर को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और साथ साथ में बाकी जो भी हेल्प होगी, यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब रखिए, ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं कराऊँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ इससे प्रीवियस ईयर के, तो आप उसमें हाजिर रहिए, उसको प्रेजेंट टाइम पे देखिए। तो गाइज डेफिनेटली एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको माइंड मेकअप करना है और 3 मंथ की पूरी स्ट्रेटजी लेके चलनी है। पहले मंथ में आपको केवल और केवल वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, सेकेंड मंथ में आपको प्रैक्टिस करना है, और थर्ड मंथ में रिविजन करना है। यही हमें फॉलो करना है, बस 3 महीने का प्लान है। पहले मंथ में आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस, जो चीज़ें वीक है उसको समझना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं। सेकेंड मंथ में आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, और थर्ड मंथ में टेस्ट सीरीज देंगे आप, रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, रिवीजन करेंगे। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे गाइज इस एग्जामिनेशन में। और इनफैक्ट जो DSSSB के लिए अभी जा रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ते ही रहो, इसको पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। तो गाइज यही सजेशन था मेरा, और जिन भी बच्चों को, जैसे मैंने पहले बताया था बैचेस वगैरह की रिक्वायरमेंट, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करने होंगे बैचेस वगैरह, बैचेस भी ले सकते हैं। 15 तारीख से इसका पर्टिकुलर बैच, डेडिकेटेड बैच, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा का पूरा रहेगा, टेक प्लस नॉन टेक, ये पूरा पोर्शन किसी को भी कवर करना है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। DDAJEE सिविल टारगेटेड सिविल के लिए है, डिस्काउंट कोड ऊपर लिखा हुआ है, इस कोड को यूज करेंगे जैसे ही तो आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और इस बैच की प्राइस केवल 2600 रखी गई है, जिसमें आपको टेक नॉन टेक पूरा का पूरा डिटेल्ड क्लासेज जो मिलेंगी, लाइव क्लासेज, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगी, जब मन करे तब देख सकते हो, प्रॉपर आपके पास 6 महीने तक वैलिड होगा, ये 6 महीने तक आपके मोबाइल में रहेगा, ऐप में रहेगा, तो आप अगले एग्जामिनेशन के लिए भी देख सकते हो। तो कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिंपली ADDA247 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाइए, उसमें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो सिविल में जाइए, और सिविल ब्रांच में जाने के बाद आपको सर्च करना है DDAJEE सर्च करना है, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे दिख जाएगा स्टोर ऑप्शन पे, सर्च करेंगे जैसे ही DDAJEE तो आपको ये पर्टिकुलर बैच दिखाई देगा। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीटें हैं, जिनको भी ज्वाइन करना हो फटाफट ज्वाइन कर लेना। पेमेंट करने से पहले कूपन कोड ये यूज़ करेंगे तो आपको इसमें मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। पहले से भी कुछ कूपन कोड दिए होंगे, लेकिन इससे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। तो Y293 जैसे ही यूज़ करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस में ये बैच आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, जिनको भी ज्वाइन करना हो, और जिनके पास महापैक है उनको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये महापैक इसीलिए इसका नाम रखा जाता है, इसमें एवरीथिंग, सारे बैचेज जो आएंगे वो सब कुछ JEE के सारे बैचेज इंक्लूड रहेंगे। जिनको इसको ज्वाइन करना हो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ और 12 मंथ वैलिडिटी में अवेलेबल होगा। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो ये 2600 का है, ये आपका 6 मंथ के लिए 2900 का मिलेगा, 12 मंथ के लिए 3500 का मिलेगा। कूपन कोड यहाँ पे भी सेम है, Y293, दिस इज द कूपन कोड, इसको अप्लाई करिए, यू विल गेट दिस बैच ऑन ADDA247 ऐप।
एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल डिवाइस पे भी देख सकते हो वीडियोस को, और रिकॉर्डेड वीडियोस को जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। तो गाइज प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, कहने का मतलब केवल और केवल यही है कि अगर आज से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे आगे, यानी कि आने वाले मंथ में आपको लगेगा कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। सिलेबस लिमिटेड है, चीज़ें बिल्कुल कन्फाइंड है, अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो 100% एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच।